लोग मुझे बहुत बार पूछते हैं कि हम जल्दी हर्ट हो जाते हैं, लोग हमको हर्ट करते हैं, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत जल्दी दुखी हो जाता हूँ या जल्दी रो देता हूँ या देती हूँ, ऐसे काफ़ी बार सुनाई देता है। क्या हर्ट होना बुरा है, क्या रोना बुरा है? देखो, इसमें दो प्रकार है। एक ऐसा है कि आप हर्ट हो जाते हो, इसका ही मतलब आप दुखी हो जाते हो, और वो हो सकता है कि वह सह संवेदना से आ रहा है, मतलब और कोई दुखी है, वो कोई प्रॉब्लम में है, उसको सुनकर आपको भी बुरा लग रहा है, आप भी हर्ट हो गए, आपको भी दुख हो रहा है और आपको सह संवेदना हो रही है, एम्पथी हो रही है, और उसके वजह से आप दुखी है, समझ में आता है। उसको हर्ट नहीं बोलते हैं, उसको बोलते कि करुणा, कंपैशन, उसके साथ में प्यार है, तो प्यार है, लव है, तो इसके लिए आपको भी बुरा लगता है, तो एक बार का समझ में आता है, और वो आप उसके लिए कोई मतलब बुरा ही नहीं है, अच्छा ही है, आपको भी वो समझ में आ रहा है कि उसको क्या दुख हो रहा है, कितना दुख हो रहा है। दूसरा जो पार्ट है कि जहाँ आप हर्ट होते हो, वो कोई आपको हर्ट करता है और ईगो को हर्ट करता है, मतलब आपको बुरा बोलता है, आपकी ईगो को बुरा बोलता है, आपको ईगो को अच्छा नहीं लगता, हो सकता है कि वो आपका अपमान करता है, आपको बुरा बुरा बोल देता है, या आपके पीछे और कुछ बोल देता है और फिर आपको बुरा लगता है। अब देखिए, वो सामने भी बुरा बोला है, पीछे भी बुरा बोला, वो निगेटिव बोल रहा है, ये तो बात ठीक है, तो फिर निगेटिव यदि वो बोल रहा है तो क्या उसके अंदर चलता होगा, ये आप समझ लो। अब कभी ऐसा हो सकता है कि वो पॉजिटिव व्यक्ति है, बहुत पॉजिटिव सोचने वाला है, बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत ग्रेट है, और वो होने के बावजूद भी वो बाहर निगेटिव बोल रहा है, ऐसा हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जो कोई निगेटिव बोल रहा है, कोई टीका टिप्पणी कर रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, तो अंदर भी उसकी हालत खराब है, अंदर भी वो निगेटिव है, अंदर भी कोई अच्छा व्यक्ति वो है नहीं, तो फिर अंदर यदि वो निगेटिव है और वो बाहर बकरा है या उल्टी कर रहा है, तो आपने क्यों डिस्टर्ब होना है? उसके अंदर कुछ तो भी चल रहा है, पता नहीं वो कौन सी मानसिक अवस्था में है, पता नहीं उसको क्या हो रहा है, पता नहीं वो कहीं झगड़ा करके आया हुआ है, पता नहीं उसको डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है, आपस में कोई झगड़ा करके तो नहीं आया, आपस में रिश्ते तो ठीक नहीं है, कुछ लॉस हो गया, कुछ तो भी हुआ है, अपने ऊपर निकाल रहा है वो सब गुस्सा, ऐसा भी हो सकता है, मगर उसकी आंतरिक हालत जो है, मानसिक स्थिति जो है, वो ठीक नहीं है, इसलिए वैसा हो रहा है। हमने क्यों डिस्टर्ब होना चाहिए? देखो, उसका कुछ लोगों का नेचर ही निगेटिव रहता है, वो बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट वो निगेटिव है, कभी अच्छा बोलेंगे नहीं, हरदम वो निगेटिव बोलेंगे, निगेटिव रिएक्शन देंगे, बुरा बुरा बोलेंगे, आपको डिप्रेस मारेंगे, नर्वस करेंगे, उनका नेचर ही हुआ है, तो हमने क्यों बुरा ही बोल लेना है फालतू, मतलब क्यों हमको बुरा लगना है? अरे वैदिक, कोई कुत्ता आपके ऊपर आ रहा है, आंख के ऊपर आ रहा है और भौ-भौ कर रहा है, तो आप क्या डिस्टर्ब होते क्या? आप बोलते वो कुत्ता है, उसका नेचर ही है भौ-भौ करना। यदि आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई कुत्ता आपके आंख पे आ रहा है या और किसी के आंख पे जा रहा है, तो आप बोलते और गुस्सा हो जाते हो? बिल्कुल ही नहीं, आप बोलते वो कुत्ता है, वो भौंकने वाला है। तो वैसे ही कुछ लोगों का नेचर ही निगेटिव है, नेचर ही वो नकारात्मक बोलने वाला है, वो तो वही करेंगे, तो वो उनके नेचर के मुताबिक काम कर। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत खुशियाँ वाला है, बहुत इंस्पायर करता है? कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना आपस में, आपके आजू बाजू में, कि वो बहुत इंस्पायर करते रहते हैं, आपको प्रवृत्त करते रहते, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, मोटिवेट करते रहते हैं, तो उनका अंदर का भी तो वही होगा ना हालत। ऐसा तो हो सकता है कि अंदर निगेटिव और बाहर पॉजिटिव बोल रहे, ऐसा नहीं होगा। जो लोग अंदर से भी पॉजिटिव हो, बाहर पॉजिटिव बोलते हैं, तो कोई पॉजिटिव बोल रहा है, इसका मतलब वो अंदर से भी पॉजिटिव व्यक्ति है और वो बोल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव बोल रहा है तो वो अपने अंदर के गुण क्या है वो बता रहा है, कोई निगेटिव बोल रहा है तो अंदर के गुण क्या है वो बता रहा है। हमने क्यों डिस्टर्ब होना? तो कोई निगेटिव बोल रहा है तो उसका नेचर ही निगेटिव है, कोई पॉजिटिव उसका नेचर पॉजिटिव है, हमने उसमें क्यों डिस्टर्ब कर लेना अपने आप को? हमने एकदम शांत रहना है। यदि मैं उसके ऊपर रहम खाता हूँ, या उसका नेचर वैसा है, या उसकी हालत ठीक नहीं है मानसिक, तो उसके साथ पे भी मैं कंपैशनेट रहता हूँ, करुणा कि बेचारा ऐसा कैसा बिहेव कर रहा है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इतना क्यों गुस्सा करता है, इतना क्यों निगेटिव बोलता है, क्या लाइफ में चल रहा है, ऐसा हम उसको बेचारा करके उसकी कोई मदद करेंगे तो उसका लाइफ बदल सकता है। हाँ, मगर ऐसा है कि उसने कुछ बोला नहीं तो अपने को आगे होके काम करने का नहीं है, कि अपने को खुद होके जाके बोलना नहीं कि मैं तेरे को ठीक करूँगा, या मैं तेरे को कोचिंग करता हूँ, या मैं तेरे को अच्छा करूँगा, नहीं। उसने यदि कुछ बोला कि यार मैं ऐसा हूँ, मुझे पॉजिटिव बनने का है, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, लोग बहुत हर्ट हो जाते हैं,
लोग हर्ट होने को बैठे ही हैं, कुछ भी हो जाए तो तुरंत लोग हर्ट हो जाते हैं। जैसा घासलेट वगैरह डाल के रखा हुआ है, अब बस माचिस लेना है और माचिस की काड़ी जो है उसका घर्षण करना है तो आग लग जाएगी। लोग एक्चुअली बैठे हैं हर्ट होने को, अपसेट होने को, तो हम क्यों चिंता करें? हमको ये देखना है कि जैसा महात्मा गांधी ने बोला कि ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति मुझे दुखी नहीं कर सकता, मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, मुझे विचलित नहीं कर सकता, मुझे हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ये परमिशन किसी को दी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।